हेलो फ्रेंड्स रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है सो so फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि नीट का भी मोपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड स्टार्ट हो चुके हैं तो अभी आपको पता है जैसे कि चार से छह तारीख तक जो भी एमसीसी uh, सी का स्टे वैकेंसी राउंड है जिसमें सारे की सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आती हैं सारे के है, सारे कॉलेज आते हैं जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं तो उनका जो स्टे वैकेंसी राउंड स्टार्ट होने वाला था दोस्तों तो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जो सुप्रीम कोर्ट का अनाउंसमेंट आ गया है दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया जो सभी बच्चों को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है जो आप लोगों के साथ में शेयर जा रहा हूं तो दोस्तों इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया है वो क्या नोटिस है वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा उसके साथ-साथ दोस्तों उस स्टूडेंट्स को क्या फायदा है और उससे स्टूडेंट्स और कॉलेज पे क्या इम्पैक्ट है मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं सो so फ्रेंड जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये नोटिस आया सुप्रीम कोर्ट का एक इंस्ट्रक्शन आया है, एक रिट पैटिन से डाली थी जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है दोस्तों इसके ऊपर दोस्तों नीट ट्वेंटी कॉलेज लेवल काउंसलिंग फॉर स्टे वैकेंसीज जो कॉलेज लेवल पे लेके स्टे वैकेंसी उसके रिलेटेड दोस्तों एक नोटिस आया है और दोस्तों इस नोटिस में लिखा हुआ इन ऑर्डर टू असर्टेन द नंबर ऑफ सीट्स दैट स्टिल रिमेन वैकेंट आफ्टर द काउंसिलिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी डेजिग्नेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट सेल्फ कंडक्ट मैनुअल काउंसिलिंग फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द स्टूडेंट सो गाय इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अभी तक दोस्तों होता है क्या है कि कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि अगर किसी कॉलेज में कितनी नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट है तो सीधा कॉलेज उस पर जो अपनी मर्जी के अनुसार स्टे वैकेंसी राउंड करा के उस सीटों को फिलअप कर लिया जाता था, था तो दोस्तों इस चीज़ को ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अगर किसी कॉलेज में स्टे वैकेंसी राउंड में एक भी सीट खाली है तो सबसे पहले दोस्तों उन्होंने चार पांच ऑर्डर दिए जो मैं आपको पूरा डॉक्यूमेंट आपको समझा देता हूं कि इसमें लिखा क्या है इसमें लिखा है दोस्तों सबसे पहला इंस्ट्रक्शन यहां पे कॉलेज के लिए लिखा है और उस कॉलेज के लिए गाइडलाइन है। उसमें लिखी है कि अगर किसी कॉलेज में सीटें वैकेंट रह जाती है तो कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करे कि हमारे कॉलेज में इतने नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट है फिर दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो क्या करेगी उन सब सीटों की के, के लिए उस कॉलेज को जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके टेन टाइम सीट भेजेगी उस कॉलेज को तो सपोज किसी कॉलेज में मान के चलो कि दस वैकेंसी तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी उस दस वैकेंसीज के लिए टेन टाइम्स मतलब सौ सीटें भेजेगी आपको उस रेस्पेक्टिव कॉलेज को ताकि वो सीटें उस काउंसलिंग में फिलअप की जा सके उसके बाद कॉलेज उसकी ऑफ़लाइन काउंसलिंग का एक नोटिस लगाएगा और वो नोटिस दोस्तों आपके स्टेट कोटा जो स्टेट की वेबसाइट होगी वहाँ पर भी अपलोड होगा उसके साथ साथ कॉलेज में ऑफलाइन काउंसलिंग होगी फिजिकल काउंसलिंग होगी बच्चे वहाँ पर बुलाए जाएंगे उसके बाद काउंसलिंग होगी इससे क्या होगा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी गाइज़ तो जो ट्रांसपेरेंसी चीज़ है तो दोस्तों यही चीज़ यहाँ पर बताई है कि द कंसर्न मेडिकल कॉलेज साल

एंड नोटिफाइड बाय द काउंसलिंग बोर्ड सेल बी अलाउड टू फिल्ड बाई द कंसर्ट मेडिकल डेंटल स्टे वेकेंसी राउंड तो दोस्तों इसमें बोला है और उसमें पूरे रूल फॉलो किए जाएंगे ऐसा नहीं किया जाएगा कि किसी कॉलेज की अचानक स्टे वैकेंसी राउंड हो गया ऐसा नहीं होगा तो दोस्तों साफ साफ बोला है कि ये रेट पेटिशन का हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब है वो यहाँ पर दे दिया है और अभी जितने भी कॉलेज हैं सभी को ये फॉलो करना पड़ेगा सो तो दोस्तों कॉलेज लेवल काउंसिलिंग में स्टे वैकेंसी राउंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है और उसके साथ साथ बोलता है बोला गया है दोस्तों द स्टेट मेरिट कम वेटिंग लिस्ट फॉर स्टे वैकेंसी राउंड बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी एंड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड अप टू द मोपअप राउंड इज अपलोडेड ऑन द नीट काउंसलिंग वेबसाइट तो दोस्तों उसके साथ साथ दोस्तों उन्होंने ये बताया कि जैसे भी स्टे वैकेंसी राउंड में जितनी भी सीट होती है तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन नंबर ऑफ स्टूडेंट को जो भी बच्चे वेटिंग लिस्ट में सपोज किसी कॉलेज में एक सीट है तो दस उससे दस गुना बच्चों का वेटिंग लिस्ट कैटेगरी वाइज गाइज वो स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा उससे क्या होगा कि बच्चों को ये क्लियर रहेगा कि अभी उनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है नहीं

हमें पता कैसा लगे तो दोस्तों अब क्या जितनी भी स्टेट मेरिट में लिस्ट वो स्टेट की हिमाचल प्रदेश और राजस्थान ने वेटिंग लिस्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया आप वहां से चेक कर सकते हो कि अगर आपका लिस्ट में धीरे धीरे करके सब स्टेट अपलोड करते जा रहे हैं तो गाइज ये थी बहुत जो मुझे आप लोगों साथ शेयर करनी थी क्योंकि काफी बच्चे बोल रहे थे स्टेट वैकेंसी राउंड में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा डिसीजन दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो रिट पटिशन का जवाब है वह बहुत अच्छा रहा और उससे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपके शेयर करनी थी तो मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाई उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना क्योंकि मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसिल